हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और देखिए दोस्तों, एकेट यूनिवर्सिटी के इवन सेमेस्टर फेज वन के यहाँ पे एडमिट कार्ड आ चुके हैं। उसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको सर्कुलर के अंदर मिल जाएगा, जिसमें 5 जून से आपके एग्जाम स्टार्ट होने हैं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपके प्रथम चरण के जो 5 जून से एग्जाम स्टार्ट होने हैं, वो 1 जुलाई तक एग्जाम चलने वाले, उसके एडमिट कार्ड यहाँ पे आपके जारी कर दिए गए हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आना है। यहाँ पे लेफ्ट साइड ऑप्शन मिल जाता है आपको AKTUERP, उसमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर फिल करना है जो ID में, इसके बाद पासवर्ड फिल करना है अपना, और फिर आई एम नॉट रोबोट के ऑप्शन कैप्चा को फिल कर लेना है, और फिर लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करना है। लॉगिन के ऑप्शन क्लिक करने के बाद हम डैशबोर्ड पर जाएंगे। यहाँ पे हमें स्क्रॉल करना है और जाना है एडमिट कार्ड के ऑप्शन पे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने हमारा एडमिट कार्ड शो कर जाएगा। इसको आपको प्रिंट निकाल लेना है और अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरीके से आप AKTU यूनिवर्सिटी का इवन सेमेस्टर 2022-23 का फेज वन का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, कुछ एडमिट कार्ड को जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको उस तरह से एरर शो कर जाएगा। ये वेबसाइट का एरर है, अभी एडमिट कार्ड यहाँ पे अपलोड नहीं हुआ है आपका, तो कुछ टाइम बाद यानी आज या कल में आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन सेक्शन हमें अंदर आया था, यहाँ पे 1 जून का नोटिफिकेशन आ चुका था एडमिट कार्ड डाउनलोड करने। तो अभी बहुत से स्टूडेंट का यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे एडमिट आपको 1 या 2 दिन के अंदर आपको शो कर जाएगा। तो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये वेबसाइट का इशू है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप एडमिट कार्ड आपको दो या आज या कल में आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं।